नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पर परम लक्ष्य मानव में क्रांति, विश्व की शांति, साध्वी आस्था, भारतीय भारत को आत्मनिर्भरता के विराट प्रकाश पुंज की ओर लौटना होगा। साध्वी आस्था भारती। ब्रह्मा का साक्षात्कार केवल एक पूर्व गुरु द्वारा ही संभव। साध्वी आस्था भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 21 से 27 नवंबर 2022 तक MB इंटर कॉलेज ग्राउंड नैनीताल रोड बरेली उत्तर प्रदेश में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। भागवत कथा के सप्तम दिन साध्वी आस्था भारती जी ने श्री कृष्ण के सदधाम गमन को बड़े ही करुणिक रूप से जनमानस के समक्ष रखा। उसके बाद सुखदेव जी महाराज की कृपा द्वारा प्राप्त प्रशिक्षित की परम गति का वर्णन किया गया। जब जब भी संसार विकारों के अंधकार से ग्रस्त हुआ, तब तब तत्ववेत्रा ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुओं के छत्र तले आध्यात्मिक क्रांतियों ने जन्म लिया। ये क्रांतियाँ अपने संग सदैव एक ही उद्देश्य को लेकर आई, दम तोड़ती मानवता में पुनः प्राणों का संचार करना। युग प्रवर्तक सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में ऐसी ही आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया, जिसका लक्ष्य है मानव के क्रांति, विश्व में शांति। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिस एकमात्र साधन का प्रयोग किया जा रहा है, वो एक ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी सत्ता। उस सर्वव्यापी सत्ता अर्थात भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना एवं ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का साक्षात्कार केवल एक पूर्ण गुरु ही नहीं करवा सकते हैं, जिनसे स्वयं देखा है। केवल वही गुरु सत्ता अपनी शरण में आए शिष्यों को दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। दिव्य गुरु जी आशुतोष महाराज जी कहते हैं, यदि भारत को पुनर्जन्मित करना है तो आध्यात्मक के विराट प्रकाश पुंज की ओर लौटना होगा। ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी। जीवन के मूल स्रोतों एवं शक्तियों को अपने ही भीतर जानना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ब्रह्मतत्व की जागृति की संपूर्ण भारत का रूपांतरण एवं दिव्यीकरण कर सकेगी। आपके जीवन रथ पर पूर्ण गुरु सारथी बनकर आसीन हो, इसी शुभकामना के साथ भागवत कथा का सप्तम दिवस को विराम दिया गया। धन्यवाद।